रहना है, क्या दान करना है, इस बात को समझने की बेहद आवश्यकता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में आपने लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्रों को पहनना होता है, वही आपका आसन होता है। मन को एकदम शांत रखिएगा, विचार को एकदम सात्विक रखिएगा, पूर्ण समर्पित भाव से माँ के पैर के अंगूठों पर एकाग्रचित्त हो जाए। स्वतः ही माँ को जो देना है वो आपको देना शुरू करेगी। भक्त के मन में क्या छिपा है ये उसके इष्ट को मालूम होता है, देना कब है ये भी इष्ट को मालूम होता है, इसलिए अधिक आतुरता आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ समर्पित भाव से माँ के जो नख है उन पर एकाग्रचित्त हो जाइए और देखिएगा कितना लाभ मिलेगा। पूजा से उठने के बाद आपको लाल दाल, कोई भी लाल दाल जैसे लाल मसूर की दाल और गुड़, इसका दान करना है 7-8 वर्ष से छोटी कन्याओं को और 1-8 वर्ष से छोटे बच्चे को। ये सभी घर के बाहर के बच्चे होंगे, अच्छा हो ये यदि गरीब बच्चे हों, माँ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताने के उपरांत मैं आपको माँ की पूजा से संबंधित एक खास जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें धतूरे के प्रयोग से आप अपने ऊपर की नकारात्मक ऊर्जाओं को या अपने घर के ऊपर की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर सकते हैं। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, यद्यपि परेशानियां जरूर हैं, यद्यपि इसमें असफलताएं भी हैं, लेकिन फिर भी यह दिन आपके लिए कुछ लाभ लेकर आ रहा है। जो लोग यात्रा करते हैं, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में कम या ज़्यादा लाभ जरूर देगा ये समय। बस एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस दिन कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना भी पड़े तो अच्छे से सलाह मशवरा करके लीजिएगा, नहीं तो परेशानियाँ होंगी। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए चावलों का दान अवश्य कीजिएगा। कन्या राशि, यह दिन धन के मामले में आपको धोखा दे सकता है, तो इसीलिए यदि आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो बहुत अलर्ट रह के चलिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। आपकी भाषा की वजह से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तथा जिन लोगों को सर, गले और दांतों की दिक्कत रहती है वह भी इस दिन बहुत ज़्यादा सावधान रहें तो अच्छा है। लेकिन कुछ अचानक गेंस हो सकती हैं या अचानक कोई बड़ी आशा बन सकती है घर की, रिश्ते की, सफलता की, परंतु एक सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी और वह सावधानी है बुजुर्गों का स्वास्थ्य और वाहन की दुर्घटना से। अलर्ट रहिएगा, उपाय कर लीजिएगा। इस दिन का आपका उपाय है दूध में शहद घोलें और उससे शिवजी का अभिषेक करें, कम से कम 21 बार अभिषेक करें और मंत्र होना है ओम रुद्राय नमः। देखिए फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। तुला राशि, यह दिन थोड़ा आपको उदास करेगा, कुछ बीती बातें याद करेंगे, बीते लोग याद करेंगे, बीते रिश्ते याद करेंगे, बीती नौकरी याद करेंगे, बीता घर याद करेंगे, बचपना याद करेंगे, मित्र याद करें, कुछ ना कुछ ऐसा याद करते रहेंगे जो आपको उदासी देगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, जो अच्छे इंसान हैं जिनका शुक्र अच्छा होगा वह इस दिन अपनी खामियों को याद करेंगे और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करेंगे, इससे उन्हें विशेष लाभ होगा। धन की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, रिश्तों की दृष्टि से ये दिन साधारण है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको पेट सर का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी, इस दिन एक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, इस दिन क्रोध से आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, इस दिन आपको दाल, चावल और हल्दी का दान करना है, दाल पीली होनी चाहिए, हल्दी और चावल इसका दान करना है और देखिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत के आपको परिणाम देर से मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, विशेषकर दोपहर तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय में किए गए कार्यों में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, आज ना हो बेशक कुछ आगे आने वाले दिनों में हो, लेकिन कुल मिला के नई आशाएं बंधेगी और नए कार्य करने का जज्बा उत्पन्न होगा। बस एक सावधानी, इस दिन धन खर्च नहीं करना है और वाहन ड्राइव नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे, ये दिन अच्छे से गुजरे, मजबूरी में कहीं धन खर्च करना पड़ जाए या मजबूरी में वाहन चलाना पड़ जाए तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। ओम शुम शनिश्चराय नमः 108 बार इसका जप करना है, उसके बाद घर से निकलना है और घर में भी यदि आप रहते हैं तो घर से निकलते भी हैं तब भी नीला और काला कपड़ा आपको नहीं पहनना है।
अब मैं आपको हमारे अंदर विद्यमान ऊर्जाओं के बारे में बताता हूँ, क्योंकि माँ कुष्मांडा का दिन हो और हम अपनी ऊर्जाओं की बात ना करें, ऐसे सिद्ध स्थल पर हम खड़े हों, माँ की कृपा अबाध रूप से बरस रही हो और हम अपनी ऊर्जाओं की बात ना करें, क्योंकि ऊर्जाएं वही चीज़ होती हैं जो हमारे अंदर इतनी शक्ति देती हैं कि हम अपने काल में थोड़ा परिवर्तन कर सकें, अपनी किस्मत में परिवर्तन कर सकें, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकें। हमें उपलब्धियों में अपना परिवर्तन करना हो तो भी हमें अपनी ऊर्जाओं को उधर गति से लेकर आना होता है। कि कैसे होता है, बैठिए आलती पालती मार के, अपनी समस्त चिंतन को, समस्त एकाग्रता को हृदय की धड़कन सुनने पर लगा दीजिए और उसके बाद माँ कुष्मांडा के मंत्र का या ओम ह्रीं ओम ह्रीं, केवल इस मंत्र का जप आप करते चले जाइए और आप अपने आप को माता के कदमों में छोड़ दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जाएं प्रस्फुट होने लगेंगी। ये एक दिन मत कीजिएगा, इसे अनेक दिन कीजिएगा और आप अपने ऊपर से तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा सकते हैं, ग्रहों की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत कठिन बात बहुत सरलता से समझा दी है, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि इसकी वैल्यू नहीं है। कभी कभी सरलता से कही गई बातें भी बहुत वैल्यूबल होती हैं। मैंने आज आपको ऊर्जाओं का रहस्य समझाया है और उस स्थान पर ध्यान करवाया है जहां आप यदि नियमित रूप से करने लगे आपकी आयु बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, फिलहाल मैं आपको धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूँ। धनु राशि, आज आप अपने दुश्मन बनाने जा रहे हैं, खास तौर से यदि आप किसी महिला के साथ कार्य करते हैं, मैं पुरुषों से कह रहा हूँ, या कोई महिला आपकी बॉस है तो आपको बहुत अलर्ट होकर कार्य करना होगा, नहीं तो आज डांट पड़ेगी। घर में भी आपकी डांट पड़ सकती है, वैसे तो वहाँ भी एक महिला बॉस हो सकती है आपकी। आपको साथ ही साथ वाहन चलाते वक्त बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने पाँवों का और कमर का इस दिन बहुत ध्यान रखिएगा, वजन उठाने से बचिएगा, सावधानी। इस दिन आपको धन को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका धन कहीं खर्च होगा, लाभ भी नहीं मिलेगा, खासतौर से वो लोग जो कोई निवेश करने जा रहे हैं। एक उपाय जो आपको इस दिन कर नहीं करना है, मेरी बात मान लीजिए, कर नहीं करना है ये उपाय, आज गरीबों को दूध बांटिए। और कैसे, शीशे की बोतल में, थोड़ा मुश्किल होगा इसे खरीदना, लेकिन जहाँ मिले सो ले लीजिएगा और इसमें ही आप चाहे एक ही को बांटें लेकिन दूध ज़रूर बांट दीजिएगा। विशेष रूप से यदि आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो ऐसा कार्य अवश्य कर दीजिएगा। मकर राशि, लाभ का दिन आज बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और साथ ही साथ आप अपनी वजह से अपने कुछ मित्रों को या पार्टनर को नाराज कर सकते हैं, कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, आपको कुछ सावधानी इस दिन रखने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है, अपनी भाषा पर ज़रा नियंत्रण रखिएगा और आवेश में आकर या बदले की भावना से किसी को कुछ मत बोलिएगा और ना ही कोई कार्य कीजिएगा, आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। इस दिन यदि आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं कोई, तो ये उपाय जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये ज़रूर कर लीजिएगा। और वह उपाय ज़रा नोट कीजिए, आज आपको दही, गुड़ और हल्दी, ये तीनों अलग अलग करके किसी सफ़ेद कपड़े पर रखकर बांटना है, किसी भी गरीब को दे दीजिएगा। तीनों ग्रहों के संवेद ये उपाय हैं, इससे आपका दिन बेहतर हो जाएगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको आज अपने वाणी पर बहुत अंकुश रखना होगा, ये ध्यान दें, धैर्य से रहिएगा। कुंभ राशि, यह दिन बहुत ध्यान से चलने का है, खासतौर से वो लोग जो कम्युनिकेशन की फील्ड में है, आईटी की फील्ड में है, लोगों से जिनका वास्ता पड़ता है, जो लोगों को डील करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा आज के दिन दांव पर लगी हुई है। इसलिए बहुत सोच समझकर कोई फैसला करें, बहुत सोच समझकर कुछ लोगों से मिले, थोड़ा लाए लो करें तो अच्छा रहेगा, यानी आज अपना प्रोफाइल थोड़ा दबा कर ही रखने में समझदारी रहेगी। इस दिन धन को लेकर वैसे तो दिन ठीक है, लेकिन यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, कोई मित्र या पार्टनर आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा और हो सकता है आप अपनी वाणी की वजह से उसे नाराज़ भी कर दें। सावधानी,
इस दिन आपको प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखना है, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, और आपके आपके पिता या बड़े भाई से कोई झगड़ा झंझट ना हो जाए, ये बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? उड़द की दाल का दान अवश्य करें और कुत्तों को भोजन भी दें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। यूं एक समस्या तो ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है, और वो ये है कि इस दिन आपका दिमाग बहुत चंचल है, बहुत सारी डायरेक्शन में आज एक साथ सोचना शुरू करेंगे, बहुत सारे कार्य आज एक साथ करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान होंगे, तो आप केयरफुल रहिएगा इस दिन, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान रहना है, अपने पार्टनर या अपने पत्नी के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आज आप श्वेत वस्त्र पहनिएगा, और हो सके तो कुछ खट्टी मीठी टॉफी छोटी छोटी बच्चियों में ज़रूर बांट दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। अभी ब्रेक का समय हो गया है, ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि धतूरे के बीजों का आपको क्या करना है जो घर के संकट टले।